नमस्कार प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, आपको पता ही है कि इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है दिल्ली में, लेकिन अब ठीक हो गया सब कुछ ऑलमोस्ट, तो अब लेट होगी नहीं। जैसे कि आपको पता है, कल वाली क्लास तो मैंने टाइम से पहले ही अपलोड कर दी थी और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि हाँ जी क्लास आ गई है, आज भी राइट टाइम क्लास आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने बच्चों, मैंने आप लोगों को चार क्वेश्चन दिए थे, मैंने आप लोगों को चार क्वेश्चन दिए थे। मैं निकाल लेता हूँ जरा एनसीईआरटी ऐप, 10th। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को 3.2 के तो सारे क्वेश्चन करवा दिए थे और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे बच्चों आपको 3.4 के, है ना। 3.3 के तो मैंने करवा दिया था, 3.4 के क्वेश्चन दिए थे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन किसी भी बच्चे ने सही से करके दिखाया नहीं मेरे को, और क्यों करके नहीं दिखाया उसका एक ही रीजन है कि हाँ भाई अभी तक मैंने एक आपको बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको उस लेवल पे क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं इस वजह से। लेकिन अभी मैं जब कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 3.4 के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.4 के सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। इफ वी ऐड टू वन टू द डिनोमिनेटर, सॉरी टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। पहली बात तो आपको मैं एक बात बताऊं, एक दो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे भी, लेकिन सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्वेश्चन जल्दी करके दिखाना ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, क्वेश्चन सही करना मैटर करता है। ठीक है, और क्वेश्चन सही होते कैसे हैं, जब आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, उसके वर्ड्स का मतलब समझो और उसके बाद क्वेश्चन करो। ठीक है, स्टेप समझो, पहले मैंने क्या कहा, वर्ड प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, पढ़कर पहला काम है कि आप पढ़कर क्वेश्चन को अच्छे से समझो। समझ गए, अब समझने के बाद एक एक करके आप वो सारे काम करो जो उस क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये एक दो काम जो है ये जरूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं नहीं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, देखा न्यूमरेटर, बस भाई बात खत्म, उसके बाद तो उन्होंने दुनिया जीत ली, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले तसल्ली से पढ़ो। अगर भाई देखो एकदम से अपने आप को ही भगाओगे और मुझसे भी उम्मीद करोगे कि मैं तुम्हें भगा भगा के पढ़ाऊं, तो भाई सीख नहीं पाओगे, वो रट्टा मारने वाली बात हुई कि हाँ जी ये क्वेश्चन ऐसे है तो ये आंसर यही आएगा, डिजिट बदल गई तो बस तुम भी बदल गए फिर 2 मिनट में, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, चलो अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि भाई इफ वी ऐड वन टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या बोला है कि अगर किसी भिन्न में अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, ये हर में एक घटा दें तो फ्रैक्शन जो है वो एक बन जाता है। क्या बन जाता है, एक बन जाता है। और कह रहा है कि अगर, आगे कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, यह भिन्न 1/2 बन जाता है यदि हम डिनोमिनेटर, सिर्फ ओनली लिखा हुआ यहां पर, ओनली सिर्फ डिनोमिनेटर में हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, तो बताइए फ्रैक्शन क्या हो गया। तो लॉजिक, दो केस बन जाते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज, जो नहीं पता सबसे पहले वो मान लो, न्यूमरेटर क्या है, एक्स, माना अंश, माना अंश, ठीक है, एक्स, एंड द डिनोमिनेटर इज, हाँ जी डिनोमिनेटर कितना मान लेंगे, वाई, तथा अंश, सॉरी तथा अहर, हर कितना मान लिया, वाई मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, हाँ जी एक्स बटा वाई यही है ना, अंश ये है हर ये है, क्या बोला है, अंश में एक जोड़ दो हर में एक घटा दो, न्यूमरेटर में वन जोड़ दो और डिनोमिनेटर में वन घटा दो, ऐसा करने पे ये क्या बन जाता है, ये वन बन जाता है, ऐसा करने पे क्या बन जाता है, वन बन जाता है, बात खत्म, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वन वन को इससे, वन को इससे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस प्लस का वाई इधर आके माइनस का, प्लस का वन वहां जाके माइनस का, तो एक्स माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब किसी एक की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों ही आसान है, तो भाई ये माइनस का वाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, तो वाई -2। ठीक है, या आप एक इक्वेशन बना लेना, ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई,
फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, चलो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। आप यहां तक करो, x माइनस वाई माइनस वन माइनस वन माइनस का टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। नाउ ये क्या था, केस फर्स्ट, स्थिति पहली। अब क्या आएगा, केस सेकंड, स्थिति दूसरी। दूसरी स्थिति में क्या बोला है भाई, अंश तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हर में एक जोड़ दें, न्यूमिनेटर अपनी जगह पे फिक्स रहेगा लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वन जोड़ दें तो ये एक बटा दो हो जाता है, क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, देखो मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन बकायदा समझाता हूं, चल रहा हूं, तो बस बात खत्म। दो को इससे करो 2x, इसको इससे करो y प्लस वन। ठीक है, 2x प्लस का y इधर आके माइनस आ गया, इक्वेशन नंबर क्या बन गई भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही बताइए आपको भाई, किसी एक इक्वेशन को उठाओ, चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड को, देखने में आसान दोनों ही लग रहे हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण एक लेने पर, समीकरण एक लेने पर। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस टू। हाँ भाई, माइनस का वाई वहां जाके प्लस का और टू माइनस का, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप क्या लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। पता है ना आपको, क्या समझाया है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हो तो पुट किस में करोगे, सेकंड में। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर, रखने पर। ठीक है जी, तो ये रहा x बराबर वाई माइनस टू, जबकि बच्चों x की ये सॉरी 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 सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई बराबर वन, ये है आपकी इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। ठीक है जी, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमें वैल्यू किसकी रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है x की, तो कैसे रखेंगे, 2, हाँ जी 2, x कितना है जल्दी बताओ, x आपका y माइनस टू, x कितना आपका y माइनस टू, ये रहा माइनस का y बराबर वन। चलो अंदर मल्टीप्लाई, 2y, दो दुनी चार माइनस वाई एक, दो वाई में से वाई गया वाई, माइनस चार बराबर एक, माइनस का चार वहां जाके प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया, पांच। y की वैल्यू कितना आ गई, पांच। y कहां पुट करेंगे, थ्री में, फर्स्ट में, सेकंड में, जहां मर्जी पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन कितना है, x बराबर y माइनस टू, y कितना है पांच माइनस दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू तीन आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, तीन, पांच में दो गया तीन। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो फ्रैक्शन निकालना है, सो द फ्रैक्शन इज, सो द फ्रैक्शन इज, हिंदी वाले इस प्रकार, इस प्रकार भिन्न है, इस प्रकार भिन्न है, हाँ जी भिन्न क्या है, x बटा वाई, x कितना है तीन, y कितना है पांच, तो आंसर कितना आया, तीन बटा पांच, आंसर कितना आया, तीन बटा पांच। तो देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो और फटाफट नोट करो, इसके बाद में तुम्हें कराता हूं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कराता हूं, फिर मैं आपको कौन सा सेकंड कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूं। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा ये, चलो अब मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, और जो बच्चे भाई ये नोट नहीं करते चल रहे हैं, नोट्स बनाते हुए नहीं चल रहे हैं, बाद में उन्हीं को दिक्कत होगी, तो हाथों हाथ ये नोट करते चलो और इनकी प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, और बस कुछ दिन और फिर आरडी शर्मा शुरू कर देंगे हम लोग। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन है फाइव ईयर अगो, देखो ध्यान से समझना मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, फाइव ईयर अगो, आज से पांच साल पहले नूरी, नूरी सोनू की एज की थ्री टाइम्स थी, मतलब मान लो जैसे देखो, अब समझना जरा ध्यान से समझना भाई, ये कोई लड़का है सोनू, और ये कोई लड़की है नूरी। ठीक है, ये कोई लड़की है नूरी। ठीक है जी, अब वो कह रहे, क्वेश्चन में बताया गया कि आज से पांच साल पहले, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट जो है वो फाइव इयर्स अगो,
आज से 5 साल पहले, बच्चों 5 साल पहले क्या हो रहा है? 5 साल पहले नूरी सोनू की एज से 3 गुनी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 3 गुनी बड़ी थी। मतलब यहां पे इतना तो पता चल गया है कि नूरी जो है बड़ी है और सोनू जो है वो छोटा है। और नूरी कितनी बड़ी है भाई? सोनू के एज से 3 गुना। मतलब अगर सोनू 10 साल का होगा तो नूरी 30 साल की होगी, अगर सोनू 5 साल का होगा तो नूरी 15 साल की होगी। मतलब उसका 3 गुना कर दो, ठीक है? आगे आगे क्या बोला है? आगे बोला है लेकिन 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, यानी अब आगे की बात की जा रही है, फ्यूचर की, 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की डबल रह जाती है। एज में क्या रह जाती है? डबल। मतलब आज से 10 साल बाद अगर मान लो अभी, अगर मान लो अभी अभी अगर मान लो वो क्या नाम है, सोनू है 10 साल का, सोनू है 10 साल का और नूरी है 30 साल की, तो आज से 10 साल बाद सोनू कितने का हो जाएगा? 20 का। नूरी कितनी की हो जाएगी? 40 की। तो हमने क्या देखा कि आज से 10 साल बाद नूरी में और सोनू में एज का डिफरेंस क्या है? डबल का, ठीक है? क्योंकि नूरी कितनी है? 40 और सोनू कितना है? 20। तो यानी डबल का फर्क हुआ कि नहीं? तो वही ये बता रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आज से 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की एज की कितनी रह जाएगी? 2 टाइम्स। लेकिन 5 साल पहले कितनी थी? 3 टाइम्स। तो बताओ प्रेजेंट एज क्या है? तो बताओ वर्तमान एज, वर्तमान आयु क्या है? समझ में आ रही है बात? तो भाई नूरी 5 साल पहले 3 गुना बड़ी थी, लेकिन अब जो है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, यानी लेटर 10 साल बाद ये कितने गुना रह जाएगी? 2 गुने रह जाएगी। तो बताइए नूरी और सोनू की एक्चुअल एज क्या है? नूरी और सोनू की एक्चुअल एज क्या है? पल्ले पड़ गई बात? चलो अब देखना, तो हमें एज निकालनी कौन सी है? प्रेजेंट। तो चलो भाई ये है 3.4 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो लिखो लेट द एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हाँ जी, तो नूरी की एज मान लो एक्स ईयर्स। माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो कितनी आयु है? एक्स। हाँ जी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की भी एज नहीं पता तो वाई ईयर्स मान लेंगे, तथा सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? हाँ, सोनू की वर्तमान आयु वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? आज से 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, हाँ जी 5 साल पहले क्या हुआ? 5 साल पहले यह हुआ कि भाई नूरी की जो एज है अभी एक्स और सोनू की जो एज है अभी वाई, 5 साल पहले, अभी एक बात बताओ, मैंने ये बात बताई थी ना कि अभी अगर आप 15 साल के हो तो आज से 5 साल पहले कितने साल के थे? 10 साल के। अगर आपके घर का कोई मेंबर अगर अभी 50 साल का है तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा? 45, 45। तो बस वही है कि अगर बच्चों नूरी अभी x साल की है तो 5 साल पहले की कितने की होगी? x माइनस 5। और भाई जब 5 साल पहले हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसमें से भी तो करेंगे। अरे सीधी बात है, अगर भाई आप और आप अपने भाई के एज का हिसाब किताब लगाओगे तो कहोगे कि भाई अभी मैं 10 साल का हूं तो भाई 5 साल पहले 5 साल का था, और अगर आपका भाई अभी 12 साल का है तो क्या वो भी 5 का ही रह जाएगा या वो 12 का ही रह जाएगा? वो भी तो 5 साल कम होगा, तो भाई 12 में से 5 कम कर दो, 7 साल, ठीक है? तो बस इसी तरीके से जब नूरी को 5 साल पीछे लेके गए हैं तो सोनू को भी 5 साल पीछे लेके जाएंगे। अच्छा, अब इक्वेशन बनानी है तो बराबर करना पड़ेगा। हाँ जी, तो छोटा कौन है? सोनू। छोटा कौन है? सोनू। ये क्वेश्चन से देख के पता चल रहा है। तो अब बताओ जो कह रहा है कि नूरी जो है वो सोनू की 3 गुनी बड़ी है, नूरी सोनू से 3 गुनी बड़ी है, तो जल्दी से बता दो वो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? जल्दी बोलो किसके साथ करूंगा? वो मैं करूंगा भाई बच्चे किसके साथ? सोनू के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या सिखाया है कि एड और मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ करते हैं? छोटे के साथ करते हैं। तो सोनू छोटा है तो उससे मल्टीप्लाई। चलो तो एक्स माइनस 5, 3y माइनस 15, ये 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y, माइनस का 5 वहां जाके
प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन नंबर क्या आ गया भाई, जल्दी बोल दो, फर्स्ट। नाउ अब क्या है भाई, अब है ये केस फर्स्ट था, स्थिति पहली थी, अब आता केस सेकंड, स्थिति दूसरी। दूसरी स्थिति क्या है, यहां था 5 ईयर अगो, अब क्या है आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी हां आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। हां जी, यानी नूरी अगर अभी 1 साल की है तो सोनू अभी प्रेजेंट में कितने का है, 22 साल का। अच्छा, अगर अभी नूरी मान लो 30 साल की, तो 10 साल बाद कितने की होगी, 40 की। तो बस अगर नूरी अभी 1 साल की है तो 10 साल बाद कितने की होगी, x प्लस 10। हां जी, सोनू अगर अभी वाई साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, वाई प्लस 10। क्यों, अरे आप अपनी एज को ले लो यार, किसी की एज को ले लो, अगर कोई एक 20 साल का लड़का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 साल का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी, 10 साल बाद नूरी किसकी, सोनू की दुगनी होगी। तो यानी कि सीधी सी बात है यार, हर बार पता चल रहा है छोटा कौन है, सोनू। तो जो मल्टीप्लाई वाला केस है वो हमेशा किसके साथ करते हैं, छोटे के साथ। तो कितना, कितनी बड़ी है वो, दो गुनी बड़ी है। तो ये लो जी, दो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर करो सॉल्व, x प्लस 10, 2y प्लस 20। ठीक है, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, प्लस का 10 वहां जाके माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया जी। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड तक पहुंच गए, अब किसी भी एक इक्वेशन को ले लो जो आसान लग रही है। तो आसान देखने में कौन सी लग रही है, सेकंड। चलो भाई सेकंड ले लेते हैं, टेक इक्वेशन सेकंड। समीकरण क्या भाई, दो लेने पर, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण दो लेने पर। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 10, माइनस का 2y वहां जाके प्लस का। आगे जी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन। हां जी, सेकंड उठाई है ना तो फर्स्ट में रखेंगे, मैंने बताया था ना कि अगर सेकंड उठाते हो तो फर्स्ट में रखो और फर्स्ट उठाते हो तो सेकंड में। तो हमने सेकंड उठाई थी तो फर्स्ट में रखेंगे। यहां हिंदी में क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। हां जी, तो जल्दी से बता दो कि x की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो x की वैल्यू तो हमारे पास बच्चों 2y प्लस 10 है। क्या है, 2y प्लस 10, और साथ में कौन है, माइनस का 3y माइनस का 10। ठीक है, चलो हां भाई, ये प्लस का 10, 3y में से 2y गया, माइनस का y माइनस 10 भाई, माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का y वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 20। तो y बराबर कितना आ गया, जल्दी बोलो, 20। y बराबर कितना आ गया, 20। अब x निकालना है तो बस पुट y इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, जिस मर्जी में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए, तो भाई यहां क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो समीकरण तीन कितना है, x बराबर 2y प्लस 10। ठीक है जी, चलिए हो गया, x बराबर 2, y की वैल्यू अभी कितनी निकाली है, 20 प्लस 10, तो 20 40 10 50, आंसर 50। तो जल्दी से बता दो, x किसकी एज है, नूरी की, x किसकी एज है, नूरी की। तो नूरी कितने साल की निकली, 50 साल की, अरे बुढ़ी निकल गई भाई। ठीक है, और सोनू क्या है भाई, कितने का है, 20 साल का, ये है भाई बिल्कुल जवान लड़का, हीरो बनने लायक। ठीक है जी, तो सोनू की एज आई 20 और हमारी बुढ़ी मम्मा कितनी है भाई, 50 साल की। कोई दिक्कत, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं इसकी पूरे आपको लिस्ट बनवा दूंगा कि आपको आरडी शर्मा से एज वाले क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, लेकिन पहले मेरे को एनसीईआरटी से कवर करने दो। ठीक है, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा ना, फिर आरडी शर्मा करने से मजा आएगा। ठीक, चलो वीडियो पॉज करो। हाँ जी, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा अब। ठीक है, सभी बच्चों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमें दिखाई नहीं देता, क्लियर लिखो। अरे बेटा बहुत क्लियर है, एचडी में बन रही है ये। ठीक है, 1080 में एचडी क्वालिटी है। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, आपको पता क्या करना है, लैंडस्केप समझते हो, मतलब फोन को ऐसे नहीं रखना,
फोन को ऐसे नहीं रखना, फोन को ऐसे रखना है, ठीक है, फोन को ऐसे रखना है। तो जब ऐसे रखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ जी लैंडस्केप क्या होता है, ठीक है। लैंडस्केप में ना क्या होता है, वो वाइड स्क्रीन हो जाएगी, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है। और जिसके पास लैपटॉप है वो तो लैपटॉप पे करे, कंप्यूटर है कंप्यूटर पे करे, और अच्छी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, ठीक है। टीवी पे इंटरनेट की सुविधा है तो जिसके पास स्मार्ट टीवी हो, ठीक है, जिनके पास स्मार्ट टीवी हो वो स्मार्ट अपने टीवी में चलाए, टीवी में भी चल जाएगा, ठीक है। चलो, सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन पता नहीं तुम लोग कब हो गए, जल्दी से हो जाओ यार, नौकरी वोकरी नहीं लेनी क्या है? बिल्कुल चतुर बन जाओ, मतलब ये समझ लो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए ना, क्या भाई बच्चों वाला है यार, नर्सरी में पढ़ाते थे ये सब, ऐसे बोलो। चलो अब क्या है, अब मुझे कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर, भाई हमने कर लिया सेकंड का सेकंड, अब हम करेंगे सेकंड का फोर। क्या थर्ड क्यों नहीं करा रहे हो? तो भाई रुक जाओ यार, मना तो किया ही नहीं है, ठीक है, थर्ड भी कराएंगे, लेकिन बात यह थर्ड में ऐसे नहीं कराऊंगा, थर्ड में तीन चार क्वेश्चन एक साथ लाइन से कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए अभी थर्ड के लिए रुक जाओ, हम सीधा 3.4 का, ठीक है, कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, टेंशन मत लो, मुझे सब याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन छूटा कौन सा क्वेश्चन नहीं छूटा, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ करा रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है, मीना नाम की लड़की है, 2000 रुपए बैंक से निकालने गई, मीना नाम की लड़की बैंक से कितने रुपए निकालने गई? 2000 रुपए। और उसने कैशियर को बोला, जो यानी पैसे दे रहा था उसको बोला कि भाई मुझे ना सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। उसको कितने रुपए के नोट चाहिए? 50 के नोट और 100 के नोट ही चाहिए। अब कह रहा है कि भाई मीना को उस कैशियर ने 25 नोट दिए, मीना को उस कैशियर ने कितने नोट दिए भाई? 25 नोट दिए। तो बताइए कि मीना ने टोटल 50 के और 100 के कितने नोट रिसीव किए? क्वेश्चन समझना, सबसे पहली बात, मीना गई बैंक, ब्लर हो रहा ना, एक मिनट देखता हूं मैं, ब्लर हो रहा है, ठीक हो गया ना? हाँ, चलो, हाँ जी, तो क्या था कि भाई मीना गई बैंक, ठीक है जी, चलो जी बैंक पहुंच गई, मीना को भाई पैसे चाहिए थे कितने? 2000 रुपए, चलो ये भी बात सही है। मीना लाइन में लग गई अपने डी ब्लॉक वाले बैंक में, ठीक है, पता है भीड़ बहुत होती है, सुबह सुबह आ गई बैंक में, ठीक है जी, अब लाइन में लग गई, तो हमारे जो कैशियर हैं उन्होंने उनको भाई 2000 रुपए दे दिए, लेकिन 2000 रुपए लेने से पहले मीना ने पहले ही बोल दिया कैशियर को कि भाई मुझे ना सिर्फ 50 के नोट और 100 के नोट चाहिए। क्यों भाई? शादी में लुटाने हैं आराम आराम से, ठीक है, क्योंकि 500 का नोट लुटाएगी तो ज्यादा गरीब हो जाएगी, तो इसलिए बढ़िया है भाई 50 और 100 के, थोड़ी सी अमीर तो है ही, ठीक। तो चलो भाई, मीना पहुंची बैंक, बैंक में कैशियर के भाई कैश वाली लाइन में लग गई, कैशियर से बोला कि भाई मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट देना, तो उसने कह दिया ठीक है जी। अब क्या हुआ, उसने कैलकुलेट किया और मीना को 25 नोट दे दिए, मीना को कितने नोट दे दिए? 25 नोट दे दिए, ठीक है जी। और उस 25 नोट को देकर, अब मीना को पता लगाना है कि भाई आखिरकार उसने जो मुझे 2000 रुपए दिए, उसमें 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, ये किसको पता लगाना है? मीना को। तो कैसे पता लगाएगी? तो लीजिए, वो ऐसे पता लगाएगी, लॉन्ग मेथड तो ये है, शॉर्ट मेथड तो जब कंपटीशन में होगे तब सीखोगे, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हिंदी वाले इंग्लिश लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट received by Meena, हाँ भाई कितने X, माना 50 रुपए के X नोट मीना ने लिए, माना मीना ने 50 रुपए के नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए? X, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट
रिसीव्ड बाय मीना, और मान लिया मीना के द्वारा 100 रुपए के कितने नोट लिए गए भाई, भाई 100 रुपए के वाई नोट लिए गए, तथा मीना ने 100 रुपए के नोट प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए जल्दी बोल दो, 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। अब उसने क्या बोल दिया, यहां तक का काम हो गया। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सबसे पहली बात तो एक सिंपल सी चीज सोचो, उसने बोला क्या कि उसने कितने नोट लिए, टोटल 25 नोट, और वो 25 नोट किसको मिला के दिए, 50 रुपए के नोट को और 100 रुपए के नोट को, ठीक है। तो जल्दी से बता दो 50 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स है, 100 रुपए के कितने नोट हैं, वाई है, दोनों को मिला के कितने रुपए के नोट, कितने टोटल कितने नोट दिए उसने, 25 नोट। इस बात को समझना क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 2000 रुपए मिले हैं ना, उस 2000 रुपए को 25 नोटों में बांटा गया है। तो सीधी सी बात है, जरूर उसमें से 50 रुपए के एक्स नोट रहे होंगे, जरूर उसमें से 100 रुपए के वाई नोट रहे होंगे, तभी तो टोटल जुड़ के कितने नोट हो गए, 25 नोट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ ये केस फर्स्ट हो गया, नाउ केस सेकंड, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, ठीक है। केस सेकंड में क्या बोला है, हाँ भाई केस सेकंड में बोला है कि अब ना आपको, अब आपको कितने भाई 2000 रुपए प्राप्त करने हैं, यानी कि मीना ने बैंक से कितने रुपए लिए, 2000 रुपए लिए। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, अगर आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 50 रुपए है, लेकिन आपके पास अगर 50 रुपए के दो नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे, 100। 50 रुपए के अगर तीन नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, 150। तो बस अब जल्दी से बताओ कि भाई मेरे पास 50 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स, 50 रुपए का भाई 50 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स नोट, तो यानी कि उसका टोटल अमाउंट क्या हो गया, 50x। क्यों, अगर एक नोट होता तो 50, दो नोट होते तो 50 गुना में 2, 100, तीन नोट होते 50 गुने में 3, 150। लेकिन हमें गिनती थोड़ी पता है, हमें तो एक्स पता है, तो ये आया 50, 50 कौन है रुपए, एक्स कौन है नोट, यानी एक्स हो गया नोट और ये हो गया 50 रुपए, तो 50 गुने में x। अच्छा अब 100 रुपए के कितने नोट हैं भाई, वाई नोट हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ जी वैल्यू है 100 रुपए। क्यों, क्योंकि 100 रुपए के एक नोट की वैल्यू 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए के दो नोट की वैल्यू 200 रुपए, 100 रुपए के तीन नोट की वैल्यू 300 रुपए, तो 100 रुपए के वाई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100y, और इन दोनों को मिलाकर टोटल बैंक से पैसे कितने निकाले, 2000 रुपए, समझ रहे हो, टोटल पैसे कितने निकाले, 2000 रुपए। अच्छा अब इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे, देखो 50 और 100 में 50 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, x प्लस 50 दूनी 100, तो 2y हो गया, ठीक है। ये 50 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, जल्दी बोल दो भाई, इधर आके डिवाइड करेगा, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 0, तो x प्लस में 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड। अब जोन से मर्जी वैल्यू जहां मर्जी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, तो बस टेक इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण एक में, समीकरण एक लेने पर x प्लस वाई बराबर 25, x की वैल्यू निकाल लो, प्लस का वाई उधर जाके माइनस का, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, हाँ जी। इसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड आ गई, अब भाई अगर फर्स्ट उठाया है तो सेकंड में पुट करो, पता है ना, तो पुट x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है, x प्लस 2y बराबर 40, तो x की वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ, 25 माइनस y, ठीक है जी, और ये है प्लस का 2y बराबर 40, तो 25, 2y में से y गया, y बराबर 40, 25 वहां जाके क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, माइनस का 25 कितना आ गया भाई, वैल्यू बोलो 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब किसकी निकालनी है, x की, तो पुट करो, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो चलो भाई x बराबर 25 माइनस y, 25, y की वैल्यू 15, कितनी आ गई भाई, 10, तो लो जी आंसर आ गया, हाँ जी जल्दी बोलो, अब x,
एक्स कौन है? 50 रुपए के नोट। तो 50 रुपए के कितने नोट हैं? 10 नोट हैं। वाई कौन है? 100 रुपए के नोट। तो 100 रुपए के कितने नोट हैं? 15 नोट हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो बस ये ऐसे कर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो फटाफट एक बार जल्दी से, मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, तीनों क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, फिर खत्म करते हैं इसे, ठीक है? तो बच्चों देखो जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे? 5, ठीक है? 3.2 का 5, सॉरी 3.2 बोल रहा हूं, क्या बोल गया मैं, 3.4 का सेकंड का 5वां। देखो प्यारा क्वेश्चन, 1 नंबर क्या कह रहा है? टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, वही है सेम, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या है सुनो, समझो ध्यान से। कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर अ 7 डेज वाइल सुसी पेड 21 रुपीज फॉर बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। चलो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन। लो भाई, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की है ये सरिता, एक लड़की है ये सुसी, ठीक है जी? ये 2 लड़कियां हैं। अब हुआ क्या भाई, लाइब्रेरी गई तो आपको पता है लाइब्रेरी से रेंट पे बुक्स मिलती हैं, सही बात है, किराए पे किताबें मिलती हैं। तो सरिता ने कोई एक बुक ले ली, इस लड़की ने कोई एक बुक ले ली, ठीक है, कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए, 7 डेज के लिए। जबकि सुसी ने भी एक बुक ली, कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। भाई सरिता ने 7 दिनों के लिए किताब ली, सुसी ने 5 दिनों के लिए किताब ली। अब है क्या, जैसे मैंने आपको टैक्सी वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि टैक्सी में बैठते ही आपके ऊपर एक फिक्स चार्ज लग जाता है, उसके बाद आप कहीं जाओ चाहे मत जाओ उतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे जो फिक्स चार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी सेम सीन है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरी वाले बोलते हैं ना कि आपके लिए एक फिक्स चार्ज लगेगा, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। मतलब कहने का ये कि आप मान लो ये मार्कर लाइब्रेरी से लेके गए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कह रहा हूं, आपने ये मार्कर ले लिया तो आपसे ना मार्कर का एक ही बार में पैसा ले लिया जाएगा भाई कि 10 रुपए आपके लगेंगे 3 दिन के। तो आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे तो 1 दिन के लिए चाहिए, तो कहेंगे नहीं जी ये चार्ज ना फिक्स है, ये चार्ज क्या है? फिक्स है, चाहे आप 1 दिन के ले लो, चाहे आप 2 दिन के ले लो, चाहे आप 3 दिन के ले लो, आपको इसका फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। हाँ लेकिन 3 दिन के बाद जितने दिन एक्स्ट्रा होते रहेंगे उनके अलग अलग चार्ज लगेंगे। पहले मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कि आपको जब भी कोई बुक लेनी है तो आपने बुक ले ली, अब बुक ना आपको 3 दिन से कम के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है? और अगर आप 3 दिन से कम के लिए चाहते भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे आपको 3 दिन के फिक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक रूल बनाया है कि कोई भी बच्चा अगर बुक लेता है तो भाई उसको 3 दिन का फिक्स भाई जो है पेड तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद 3 दिन के अलावा वो जितने एक्स्ट्रा डेज लगता जाएगा उसके अलग चार्ज लगेंगे, ठीक है? तो मतलब ये 7 दिन लेके गई है किताब को, तो इसका मतलब 3 दिन तो इसके फिक्स हैं कि भाई इसको 3 दिन का फिक्स किराया तो देना ही पड़ेगा। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लिए इसने भाई? 4 दिन, 4 दिन के अलग पे करने पड़ेंगे। जबकि सुसी ने भाई पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लगेगा, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज उसको कितने दिन पे लगेगा? 2 दिन पे। तो भाई सरिता ने 7 दिन के लिए पे किया 28 रुपए, जबकि सुसी ने 5 दिन के लिए कितना पे किया भाई? 21 रुपए। कितने पे किए? 27 था, इसने 27 और इसने 21। तो बताइए कि भाई फिक्स चार्ज क्या है, 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और पर डे का चार्ज कितना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो चलिए बच्चों सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ बुक रेंटिंग कितना है भाई? ₹X, ठीक है? ₹X। माना किताब का नियत किराया है, कितने रुपए हैं बच्चों? ₹X। एंड द पर डे चार्ज
ऑफ बुक रेंटिंग। तो बच्चों पर डे का चार्ज कितना है? ₹Y तथा किताब का प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया है कितना? किराया है ₹Y। अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले किताब किसने ली? सरिता ने, ठीक है, कितने दिन के लिए? 7 दिनों के लिए। तो लिखेंगे सरिता पेड फॉर अ बुक ऑफ 7 डेज, ऑफ 7 डेज कितने रुपए? ₹27। सरिता ने 7 दिनों के लिए, सरिता ने एक किताब किताब को ने एक किताब का 7 दिनों के लिए किराया दिया कितने रुपए भाई? ₹27। कितने रुपए दिया? ₹27। तो बस बात खत्म। हां जी, अब एक बात बताओ, जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिनों के लिए है? 3 दिनों के लिए। तो यानी कि 3 दिनों के लिए जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? ₹X। प्लस किताब कितने दिन के लिए ली है सरिता ने? 7 दिन के लिए, जिसमें से पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स है, तो बचे कितने दिन? 4 दिन। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, सरिता किताब कितने दिन के लिए लेके जा रही है? 7 दिन के लिए। लेकिन मैंने आपसे क्या बात की कि पहले 3 दिन के लिए तो किराया फिक्स है, पहले 3 दिन के लिए तो किराया फिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले 3 दिन के लिए तो कितना लगा? एक्स। अब टोटल दिन है कितने? टोटल दिन 7 दिन है, किसके लिए? सरिता के लिए। लेकिन पैसे ₹X कितने दिन के लिए हैं? X दिन के लिए। तो बचे कितने दिन? 4 दिन। 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया कितना है? ₹Y। तो 4 दिन का कितना होगा? जल्दी बोल दो फटाफट, 4Y। कितना होगा? 4Y, 4Y। और टोटल खर्चा कितना हुआ? जल्दी बोल दो, ₹27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट है क्या? ये केस फर्स्ट था, अब आता है केस सेकंड। तो अब क्या है? सुसी, ठीक है, सुसी पेड फॉर अ बुक ऑफ 5 डेज, ऑफ 5 डेज, 5 दिनों के लिए कितने? ₹21। ठीक है भाई, सुसी ने एक किताब का 5 दिनों के लिए किराया दिया कितने रुपए दिए बच्चों? ₹21। अब जल्दी बताओ, 5 दिनों में से ₹X कितने दिनों के लिए है? 3 दिनों के लिए। सही बात है कि नहीं? मैंने क्या बताया कि ₹X जो है वो कितने दिनों का किराया है? 3 दिनों का। तो बच्चों अगर ₹X 3 दिन का किराया है तो 5 में से बचे कितने दिन? 2 दिन। क्यों? क्योंकि 3 दिन का तो किराया दे चुके हम। तो बच्चों 1 दिन का किराया अगर ₹Y, तो 2 दिन का कितना? 2Y। और टोटल खर्चा ₹21। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। कोई सभी इक्वेशन उठाओ, सॉल्व करो, खुद करो। अब इतना तो आपको आ ही गया है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि इक्वेशन बनेगी कैसे, अब आपको सॉल्व खुद करना है, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं कि अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कीजिए, इसका आंसर आपको खुद ही निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं आपको, तो 2Y वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है जी, 4 में 2 गया 2, 1 6 3। तो हाँ भाई, तो एक्स का ये वाई का किराया तो आ गया ₹3 पर डे का, और एक्स का कितना आ जाएगा? 312 उधर माइनस 15, तो फिक्स डे का किराया तो ₹15 आएगा आपका आंसर, और पर डे का किराया आपका ₹3 आएगा। तो ये मुझे आंसर आप कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। आंसर मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, मैच कर लेना आंसर। इसका आएगा ₹15, एक्स का, और वाई का आएगा ₹3, ठीक है, ये आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें करा दी, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम लोग करने जा रहे हैं
अब हम लोग करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ये क्वेश्चन करवा दिए मुझे, और हाँ अभी इसमें एक क्वेश्चन और रह रहा है मुझे याद है, लेकिन पहले मुझे एलिमिनेशन मेथड कराने दो, उसके बाद बताऊंगा उसे मैं क्यों, तब करने का मजा ही कुछ अलग होगा। ठीक है, देखो, हाँ जी ये नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, आंसर मैंने बता दिया 15 और 3, सॉल्व करके निकालना। ठीक है चलो, अब हम क्या सीखेंगे? हाँ भाई एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन हमने सीख लिया, और सब्स्टिट्यूशन भाई आपको भाई अच्छी तरीके से आ चुका होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा हुआ आएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें, ठीक है, या क्रॉस से करें। तीन मेथड है, ठीक है, मेथड तीन है, ठीक है, और वो आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी मेथड अपनाओ, इसमें जबरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड शुरू करते हैं। ठीक है चलिए, एलिमिनेशन मेथड हिंदी में विलोपन विधि, विलोपन विधि। इसके अभी मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको कि ये टॉपिक अभी आपका फेवरेट बन जाएगा। देखो कुछ बच्चों को भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है, तो मुझे कौन सा मेथड अच्छा लगता है? मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है। मैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करता हूं, और आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर मैं इससे कर रहा हूं तो आप भी इसी से करो। जिसको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगे सब्स्टिट्यूशन से करे, एलिमिनेशन अच्छा लगे एलिमिनेशन से करे, और इसके बाद जो क्रॉस कराऊंगा तो क्रॉस अच्छा लगता है तो क्रॉस से करे, कोई दिक्कत नहीं, जिस मर्जी से करो। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो क्या शुरू करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, जरा एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके मैं आपको यहां पे समझाता हूं। एक्स प्लस वाई बराबर 13, एक्स प्लस वाई बराबर 13 और एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा भाई बच्चों? 4। क्या होगा बच्चों? 4। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बराबर 13 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है मैं ये, हाँ एक बात और, ये अभी मैं आपको ले रहा हूं टाइप फर्स्ट। क्या टाइप फर्स्ट में आपको मैं ये कराने जा रहा हूं, जब एक इक्वेशन में सारे प्लस होंगे और एक इक्वेशन में बीच में क्या होगा? माइनस। ये टाइप फर्स्ट है आपका। क्या है ये आपका? ये है आपका टाइप फर्स्ट, कि जब कोई एक इक्वेशन प्लस वाली चलेगी और कोई दूसरी इक्वेशन में एक चीज होगी माइनस, वो चाहे एक्स भी हो सकता है वो चाहे वाई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई ही होगा। ठीक है चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अब एक बात याद रखना, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो एक्स और वाई है इसके आगे लिखा हुआ क्या है। तो इस आगे एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मान के चलेंगे? 1। इस वाई के आगे क्या लिखा हुआ है क्या मान के चलेंगे? 1। इस एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, 1। इस वाई के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, 1। तो जब कुछ नहीं हो तो वाई मान के चलेंगे, और जब कुछ भी ना हो तो भाई मतलब क्या कह रहा हूं, जब कुछ भी ना हो तो 1 मान के चलेंगे, और जब दिया हुआ है तो बात ही खत्म। ठीक है एक एक करके अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो ये तो अंडरस्टूड है, समझ गए होगे कि भाई यहां पे अब क्या आएगा, यहां पे अपने आप में क्या होगा? 1 होगा। ये बात अपने आप समझ जाना, ठीक नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1। अच्छा टाइप फर्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब एक बार सबके ये प्लस होंगे और एक बार ये सबके जब किसी एक का माइनस, एक कंटेंट प्लस में है एक कंटेंट माइनस में है। अब एलिमिनेशन विधि में हमें क्या देखना होता है बच्चों? विलोपन विधि में, एलिमिनेशन मेथड में, ध्यान से सुनना इस बात को, बस यहीं से आपको अगर ये बात समझ में आ गई ना तो बस आपने एलिमिनेशन मेथड खत्म कर लिया। विलोपन विधि में एलिमिनेशन मेथड में हमें बस एक बात चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कि कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक चर पद बराबर कर देना है, वो चाहे आप मल्टीप्लाई करके करो चाहे डिवाइड करके करो, आपकी मर्जी है। ठीक है लेकिन आपको यहां पे मल्टीपल करना ही पड़ेगा या डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है वो आप कैसे मैटर कैसे मैनेज करोगे वो आपकी हेडक है। तो देखो वो आपकी हेडक कैसे है वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है पहले मैं अपनी हेडक बना रहा हूं,
ठीक है, जब आपको सिखा दूंगा तो आपके लिए वो हेडेक नहीं होगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो बच्चों, x और x ये तो पहले से ही बराबर है, y और y ये भी पहले से ही बराबर है। जब बच्चों ये दोनों के दोनों पहले से ही बराबर हैं, तो हम करें क्या? जबकि हमने बात क्या की थी कि कोई एक वेरिएबल आपस में बराबर होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं कि एक बार सारे प्लस के चलेंगे और एक बार में किसी एक का माइनस। तो जो अपोजिट साइन का होगा ना, उसे क्या करो, सेम है ये भी वाई ये भी वाई, तो बस कुछ नहीं करना है, इसे कट कर देना है। इसे क्या कर देना है, कट कर देना है। तो बचा क्या, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, बचा क्या 13 प्लस 4 कितना हुआ 17, हाँ कि ना? और ये दो इधर क्या कर रहा है, जल्दी बोलो। हाँ भाई एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां 5 आएगा, सॉरी। हाँ जी, तो 13 में से 5 गया, कितना बचा जल्दी बोलो, 8। तो दो यहां डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कट गया, कितना आया 4। एक्स की वैल्यू बोले तो 4, कितना आएगा 4। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो गया मेरे को। हाँ जी, तो क्या बताया हमने कि बच्चों ये प्लस माइनस है, कट गया। अब क्या बचा, एक्स और एक्स, इनको क्या करेंगे ऐड, क्यों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2x। 13 और 5 इसको भी ऐड करेंगे, 13 और 5 कितना हो गया 18। दो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा बच्चों, काटेंगे 9, तो x की वैल्यू 9। अब क्या आ गया, x आ गया, अब क्या निकालना है y। तो बच्चों याद रखना, ये इक्वेशन फर्स्ट होती है, ये इक्वेशन सेकंड होती है, आपकी मर्जी है जिस मर्जी में पुट कर दो। ठीक है, तो मान लो आपने लिखा पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मान लो इक्वेशन x प्लस y बराबर 13, x की वैल्यू 9, तो y बराबर 13, प्लस का 9 वहां जाके माइनस, तो 13 में से 9 गए कितना आए जल्दी बोलो 4, तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 9। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, वरना एक और देखो। चलो अब ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, x प्लस y बराबर 17 और x माइनस y बराबर कितना रख लें, हाँ भाई 5, ये रख लिया हमने। ठीक है जी, चलो शुरू करें। अब देखो फिर से देखो, मैंने क्या बताया, हाँ जी सबसे पहला क्या देखना है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, पहले क्या देखना है, हाँ जी देखना क्या है, सेम वेरिएबल, वेरिएबल को सेम करना है, वेरिएबल को क्या करना है, सेम, चर पद को समान करना है, समान करना है, कर दिया। फिर क्या देखना है भाई, फिर क्या देखना है कि भाई कौन सा कट रहा है, जो कट रहा है ठीक, जो नहीं कट रहा वो हम काटने लायक बनाएंगे। ठीक है, अपोजिट साइन पता करना है, क्या पता करना है, अपोजिट साइन ऑफ सेम वेरिएबल, ऑफ सेम वेरिएबल, ठीक है, समान चर पद के विपरीत, समान चर पद के विपरीत, क्या बोलो यार, समान चर पद के विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, तो ये पता करना है। तो लो जी सबसे पहले क्या पता करना है, जल्दी बोल दो, सेम वेरिएबल, हाँ जी सेम कौन है, एक्स भी है वाई भी है। अब क्या पता करना है कि भाई किसका साइन है, चिन्ह है, वो अपोजिट है, तो हाँ भाई वाई का अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, समझ में आ रही है बात, तो जो अपोजिट साइन का है उसे काट दो। लो जी कट गया, ठीक है कट गया, तो बचा कौन, एक्स एक्स, तो ये क्या होगा, ये भी प्लस, तो 2x, 17 भी प्लस 5 भी प्लस, तो 17 और 5 कितना हो गया जल्दी बोलो भाई 22। दो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, काट दिया 11, एक्स की वैल्यू 11। ठीक है, अब क्या, ये मैंने क्या बताया था, ये इक्वेशन फर्स्ट होता है, ये इक्वेशन सेकंड होता है। अब जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में, जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो। तो भाई इसमें मैंने फर्स्ट में करके दिखाया था, यहां मैं आपको सेकंड में करके दिखा देता हूं, पुट एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो लो जी एक्स माइनस वाई बराबर 5, एक्स की वैल्यू 11, वाई हमें पता नहीं, प्लस का 5 यहां के माइनस, माइनस का वाई वहां जाके प्लस, तो 11 में से 5 गए 6, तो वाई की वैल्यू 6 और एक्स की वैल्यू 11। देख रहे हो कितना छोटा हो गया, है ना सब्स्टिट्यूशन से आसान। तो फटाफट इन दो क्वेश्चनों को नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, फिर टाइप सेकंड से शुरू करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में टाइप सेकंड से करेंगे। नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन और कर लो, अभी टाइप फर्स्ट चला रहा हूं बस। ठीक है, टाइप फर्स्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइप फर्स्ट का भी बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन चला रहा हूं मैं। ठीक है,
चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो एक, ठीक है, ये मुझे करके दिखाओ, जल्दी करो। x प्लस वाई बराबर 22 और x माइनस वाई बराबर क्या ले लें? 6। करो जल्दी करके दिखाओ फटाफट सभी बच्चे। हो गया होगा, वीडियो पॉज कर दी होगी आपने। चलो हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं चेक कराता हूं। चलो क्या देखेंगे पहले? सेम वेरिएबल, तो एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, लेकिन सेकंड क्या देखेंगे? अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन किसके हैं? वाई के। हाँ जी, तो वाई के अपोजिट साइन है काट दो, दोनों प्लस 2x, दोनों प्लस 22 और 6 28। हाँ जी, दो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, काटेंगे तो क्या बनेगा? 14। तो x बराबर 14। हाँ भाई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जिसमें मन करे उसमें रख दो। मान लो फर्स्ट में रख दिया हमने, पुट x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 22। x कितना है? 14 प्लस वाई बराबर 22, प्लस का 14 वहां जाके माइनस, 22 माइनस 14। हाँ जी, 22 में 14 क्या कितना है? 8। तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 14, बात खत्म। देख रहे हो कितने सिंपल है। तो मैंने आपको टाइप फर्स्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। अभी टाइप फर्स्ट में ही हम और आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में तो सीधा वर्ड प्रॉब्लम ही आती है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो है पूरी तरीके से खत्म करके टाइप थ्री के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो टाइप थ्री में आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और उसमें भी फिर एक दो टाइप और हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आपको मैंने टाइप फर्स्ट के बेसिक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन करा दिए हैं, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप वन में और उससे ज्यादा टाइप टू में है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।